हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम एरोंट्स इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मिनी मिक्सचर A802U के बारे में। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। अब चलिए उसका ओवरव्यू देखते हैं। अब चलिए जानते हैं इस मिक्सर को ऑपरेटिंग कैसे करें। यह मिक्सर का बैक पैनल, पहले आपको पावर अडाप्टर लगाना है, पावर स्विच को ऑन करना है और साउंड कार्ड के पोर्ट में साउंड कार्ड का यूएसबी केबल आपको प्लग करना है। यह है माइक और लाइन कॉम्बी जैक, इसमें आप एक्सएलआर और P38 जैक भी यूज कर सकते हैं। यह इसका फैंटम स्विच और यह है पैड स्विच। यह है मेन गेन नॉब, यह हाई और लो दोनों EQ। यह है इफेक्ट सिलेक्ट करने के लिए स्विच। यह है सिग्नल इंडिकेटर और चैनल का मेन लेवल नॉब। यह स्टेरियो चैनल इनपुट। यह है स्टेरियो और USB सिलेक्शन स्विच। अब ये USB में हम USB प्लग करते हैं। अब USB रीड हो गया। ये है नेक्स्ट स्विच, ये है प्रीवियस, ये है प्ले पॉज बटन स्विच, ये है मोड स्विच। मोड को कर प्रेस करके ब्लूटूथ मोड पे जा सकते हैं। ये है फोन, फोन को हेडफोन में सुनने के लिए उसका वॉल्यूम। यह XLR का आउटपुट। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको अवेलेबल डिवाइस में BT36 करके लिख के आएगा, उसको पेयरिंग करना है। जब पेयरिंग हो जाएगा तो जो ब्लूटूथ का जो ब्लिंकिंग होना बंद हो जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए पहले आपको USB इंसर्ट करना पड़ेगा। USB को रीड करने के बाद आपको मोड बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, ऐसे रिकॉर्डिंग ऐसे लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपको प्ले पॉज बटन को प्रेस कर लेने का, तभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए आपको मोड बटन को फिर से प्रेस करना पड़ेगा। अब बैक जाके उसको रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। साउंड कार्ड के साथ लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए आपको ये वाला वायर चाहिए। ये वाला पोर्ट आप मिक्सर के साउंड कार्ड पे कनेक्ट करेंगे और ये वाला USB वाला पोर्ट लैपटॉप की USB पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। तो इसे लैपटॉप से साउंड कार्ड को कनेक्ट करना है। आप ये USB to USB वायर को यूज करके मिक्सर की USB से कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वायर की एक साइड को आप मिक्सर की USB से प्लग करना पड़ेगा और दूसरे साइड को कंप्यूटर की USB से प्लग करना पड़ेगा। ये वायर आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, ये इसके साथ फ्री नहीं आता है। ऐसे करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। PC में रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सिलेक्ट प्लेबैक डिवाइस पे जाके USB
पीएनपी ऑडियो डिवाइस को चूज करना पड़ेगा। ये विदाउट ड्राइवर कनेक्ट हो जाता है और आप अपना जो भी सॉफ्टवेयर यूज करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना मतामत कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।